आफ्टर द ब्रेक। मुलायम सिंह यादव जी की बहू डिंपल यादव भी अब चुनाव लड़ने जा रही है। इसे कहते पीयर प्रेशर। मुलायम सिंह जी ने कहा होगा, अरे ओ बच्चनवा की बहू देखती हो कैसे फाए फाए पैसा कमाती है, तुम काहे नहीं कुछ कमाती है? बाल्टी तो खरीद कर दिया है, थोड़ा सा प्लास्टिक यूज कर लो। और अब जवां दिलों की धड़कन, दुनिया की हर प्रॉब्लम का सलूशन, चंदन सबदन चंचल चितवन, द वन एंड ओनली वन, आ रही है सविता भाभी। राघवन, आज क्या राग गा रहे हो? सविता, आज किस मतलब किस प्रॉब्लम का सेक्सी सॉल्यूशन लेकर आई हो? क्या कहूं, सेक्सी होना इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मैंने कभी सोचा ना था। मैंने बहुत सोचा है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का फोन आया था कि मून मिशन जारी रखने का कोई तरीका बताओ। यू मीन चंद्रयान? ओह यस, एंड आई लव रॉकेट्स। नॉट ठीक। तो इंडिया के मून मिशन के लिए क्या सॉल्यूशन है? सबसे पहले मून मिशन को मून मिशन नहीं बल्कि मून मिशनरी कहा जाए। इससे साइंटिस्ट लोगों के बोरिंग लाइफ में थोड़ा एक्साइटमेंट आ जाएगा। ओके, मून मिशनरी, ओके। और दूसरा, टीम में एक लड़की भी होनी चाहिए। लड़कियों को स्पेस की ज्यादा समझ होती है, यू नो दे वांट मोर स्पेस। और हमेशा की तरह रॉकेट खो ना जाए उसके लिए आपका क्या सुझाव है? वेल, सही पोजीशन। अगर पोजीशन ठीक हो तो इट नेवर मिसफायर्स, ऑलवेज ऑन टारगेट। भारत सरकार, सुन लिया आपने? कितना बड़ा दिल है सविता भाभी का। और सिर्फ दिल ही नहीं, शी इज गॉट बिग ब्रेन्स टू। थैंक यू सविता। और अब सविता भाभी चली गई तो उसके बाद मैं यहां कुछ भी बोलूं तुम में से कोई नहीं देखने वाला। तो मैं भी जाता हूं, आज कमेंट्स भी मत भेजना जैसे कि हर बार भेजते हैं। एनीवे, अगर भेजने की इच्छा हो तो आपको पता है कहां पे भेजना है। एनीवे यार, जय हिंद। केदार बजाज।